आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अलीगढ़ में सावरकर के बीफ खाने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से विवादित बयान दिया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि ऐसे देशद्रोही को मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालते हुए काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी है। दिग्विजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहा हूं। ऐसे देशद्रोही को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए और काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो है राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है और हिंदू विरोधी हैं, इसलिए उनको तत्काल कोटा। खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली काशीराम कॉलोनी सूचा भट्टी में पड़ोसियों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंग पड़ोसियों ने पति पत्नी समेत चार लोगों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया, जिसके बाद दबंगों की मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। घटना ये हुई है कि हम लोग अपनी बहन के घर से भी आए थे, तो अभी हम जो ने उनको कहा तुम लोग ऊपर चलो, हम गुटखा लेके आ रहे हैं, इतनी देर में हम गुटखा भी नहीं ले पाए, तो हमारे लड़के को मारने लगे तो हल्ला होने लगा, तो हमारे बचाने आई तो उसको डंडा वो पाइप और डंडे से मारा, पाइप अच्छा से डंडे से। क्या मारने की बात का कारण क्या था, क्यों मार रहे थे? हमें खुद नहीं मालूम क्या बात का, जबरदस्ती मार रहे थे? जी हाँ। क्या नशा वगैरह करते हैं? हाँ, दारू पीता है। अच्छा, कितने लोगों को मारा है? बिटिया को मारा, चार लोगों को मारा। चार लोगों को मारा, कैसे से मारा? पाइप से डंडे से। थाना कोतवाली नगर स्थित कांसीराम कॉलोनी में दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना कूड़ा फेंकने को लेकर हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि श्रीमती आमना बेगम जो ऊपर रहती हैं, उन्होंने नीचे रहने वाले फिरोज खां के घर के सामने कूड़ा फेंक दिया था, जिसको लेकर के उनके लड़के आरिफ अशरफ और फिरोज खां के बीच में मारपीट हुई है। घटना में महिला आमना बेगम को भी चोटें आया जाना बताया जाता है, जिनका डॉक्टरी मुआयना कराया। खबर फतेहपुर से है, जहां पर छिबली गांव के किनारे नेशनल हाईवे के पास झोपड़ी लगाकर रह रही महिला नन्ही देवी के यहाँ अज्ञात चोरों ने 7,000 की नकदी चुरा ली। नन्ही देवी और उनकी बेटी गुड़िया देवी को घटना की जानकारी हुई, लेकिन तब तक अज्ञात चोर झोपड़ी से भाग निकले थे। वहीं प्रधान प्रतिनिधि पप्पू यादव ने पहुंचकर पीड़ित महिला को सहायता देने की बात कही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुटी। मामला ये है कि हम लेते थे इधर, चोर आए तो ले गए, हम जाने हार्ट आई थी हमको, हमारा केवल 7,000 रुपए गए और कुछ। वही अब खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला तहसील के छेड़ीबेनी गांव में ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सफाई कर्मचारी तो तैनात है, लेकिन करीब 8 महीने से सफाई करने वाले गांव में नहीं आए हैं, जबकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सचिव और प्रधान से की, जिसके बावजूद अभी तक कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आया। जब गाँव के लोगों ने सफाई कर्मी से कहा कि वो सफाई करने नहीं आता, तो सफाई कर्मी ने अपनी दबंगई दिखाते हुए कहा कि वो यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आता है, जब मन होगा तब वो सफाई करेगा, जबकि सफाई कर्मी इतना दबंग है कि ग्राम प्रधान और सचिव की भी नहीं सुनता है। शायद यहाँ की नालियाँ हैं, तो साफ सफाई नहीं हो रही, कूड़ा कचरा गर्मियों में पड़ा है और हम लोग सब परेशान हैं। सफाई कर्मी से कहा जाता है तो सुनता नहीं, प्रधान से कहा जाता है, प्रधान कहता है तो उसकी भी नहीं सुनता, सचिव भी नहीं सुनता। नाली में कीड़ा पड़े हैं गंदगी के मारे, चैनी पर 8 महीना हो गए, मो आए यहाँ सफाई कर्मी नहीं आओ। एक दिन मैंने बोलो कि सब क्यों नहीं सफाई करत, तो कहते कि मन को कंप्लेन कर दें, तो कहते ऐसी कंप्लेन। खबर हाथरस से है, जहां हसायन कोतवाली क्षेत्र सिकतरा रोड के पास इत्र फैक्ट्री के मालिक और सपा एमएलसी पंपी जैन की इत्र फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने सपा एमएलसी की कोठी और फैक्ट्री पर भी छापा मारा है।
मऊ जनपद के शहरोज गांव में भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से निर्धारित 3,600 रुपए वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने के अंतिम आदेश दिए गए हैं, लेकिन एनएचआई के अधिकारियों की ओर से किसानों को परेशान करने के गरज के मुकदमा करा दिया गया है और एनएचआई के अधिकारियों की तरफ से जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि 3.5 साल के बीच जाने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ना ही समय बीत जाने के बाद भी किसी दूसरे कोर्ट में अपील की गई है। पैसा जो है अधिग्रहण किया एनएचआई वाले, उसके पैसा से जो जमीन ली उसकी उसके संबंध में यह है कि वो पैसा नहीं दे रहे हैं। पहली बार में जो है वो भूमि अधिग्रहण की गई और उसके लिए सब कुछ हुआ, मगर पैसा आज तक एक पैसा नहीं दिए, बल्कि पेड़ और आम का पेड़ था, शीशम था, सब उखाड़ करके ट्यूबवेल या तक के ट्यूबवेल भी तोड़ दिए। वजह बस एनएच के लोगों की लापरवाही कहिए, उनकी मनमानी कहिए, या किसानों के खिलाफ जो एक्ट है उसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो अभी आर्बिट्रेशन ये लोग फिर डाले हैं, ये 3 साल पहले 2018 में डिसाइड हो चुका है, उसके खिलाफ कोई अपील कुछ भी नहीं किए, फिर यहाँ जो है ये एक दाखिल कर दिए। और सहरोज में तो एक पहले 3D के अधिग्रहण का 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के ट्यूबवेल और पेड़ ओड़ भी उखाड़ दिए गए और एक पैसा उनका भुगतान नहीं है। मामला ये जिले में जो है गोरखपुर बनारस जो 4 लेन बन रही है उसका जो है मऊ से होकर के हो जा रही है, उसमें किसानों की ज़मीन ली गई है और किसानों की ज़मीन के मुआवजा की जो देने की प्रक्रिया है उसका मुख्य अधिकारी जो है जिलाधिकारी है, ये नियुक्त करते हैं SLO और वो रेट डिसाइड करते हैं। रेट डिसाइड हो गया सहरोज मौजे का और कई मौजे हैं, मतलब जिसमें मेन सहरोज में पहले उसमें था, अधिग्रहण में था वो, लेकिन आज तक जो है उसका मुआवजा नहीं मिला। SLO ने रेट डिसाइड कर दिया, उसके बाद जो है वो लोग चले गए फिर उनके यहाँ, ठीक ना, हाँ कोर्ट गए लोग, कोर्ट से खारिज हो गया, फिर उसके बाद यहाँ तो इस तरह से उलझा करके जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर। खबर मऊ से है जहां जिले के तिराहे और चौराहे को सिटी मजिस्ट्रेट सुंदरीकरण करने और उन पर भव्य रूप देने के लिए इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे ने तिराहे के सुंदरीकरण को उचित बताया है। साथ ही मांग की है कि जनपद के 2 हिंदी के कवियों पंडित श्याम नारायण पांडे और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाम से भी चौराहों का निर्माण होना चाहिए। जो भी चौराहों का नाम, तिराहों का नाम या अन्य जगहों का नाम रखा जा रहा है, उसमें एक चीज़ की गलती हो रही थी जिसको मैंने प्रशासन से आग्रह किया है कि उसमें महाकवि पंडित श्याम नारायण पांडे जो वीर रसावतार थे और उन्हीं के साथ साथ लक्ष्मी नारायण मिश्र जो एक बहुत बड़े नाटककार थे, उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए मऊ से, मऊ के चौराहों से, का सुंदरीकरण हो रहा है तो स्थानों से। मैं मांग करता हूँ कि इस कार्य को विशेष रूप से ध्यान दे करके और उनके नाम से तिराहो चौराहों का नाम रखा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सम्मान पाते हैं बाहर जब जाते हैं कि हम बताते हैं कि हमारे परिवार से थे, हमारे गांव से थे, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत सम्मान मिलता है। मिर्जापुर में 9 साल की मासूम लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। व्यापारियों ने खुलकर कैंडल मार्च का समर्थन किया और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। इस कैंडल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा भी मौजूद रही। इस दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोपियों को फांसी देने और मृतक मासूम को न्याय देने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिजनों से मिलने दिल्ली से पहुंची सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में पीड़ित परिजनों को हर तरह से मदद दिलाई जाएगी। मिर्जापुर जिले के अंदर जो 9 साल की बच्ची के साथ दर्दनाक हुई है उसको बुलाया नहीं जा सकता। हम मोमबत्ती जलाकर के उस बिटिया को आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए भी ईश्वर से ही कहूँगा। हमारे बीच नहीं है, उसके लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे इन सारे भाइयों के साथ मिलकर के। और आप सभी जो मीडिया वाले साथी हैं, अगर कुछ भी इसमें होता है आगे पीछे धाराएं इधर उधर या इन्वेस्टिगेशन
नहीं प्रॉपर वे में होती है तो आप लोग मेरी आवाज़ बनेंगे, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कि उस गुड़िया को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ऐसी हमारी ज्योति, ऐसी हमारी बच्चियाँ, हमारे घरों की बच्चियाँ ऐसे दरिंदों की बलि का बकरा ना बने, उनके साथ ऐसा अपराध ना हो, उनको भी जीने। ताजनगरी आगरा में एटीएम को उखाड़कर गाड़ी में ले जाने वाले बदमाशों से आगरा पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश की पैर में गोली लग गई है, जबकि दो अन्य बदमाश मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त गाड़ी को 5 लाख रुपए के साथ बरामद कर लिया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया गया है। थाना ताजगंज SOG और CIW टीम ने सफलता हासिल की है। पब्लिक का कहना है कि आगे भी शातिरों पर अभियान चलाया जाएगा। पुलिस मुठभेड़ में जाहुल, जो कि नूह हरियाणा का रहने वाला है, घायल हुआ, उसकी टांग में गोली लगी, और शेष दो बदमाश जो कि भागने लगे थे उन्हें मौके से पकड़ लिया गया। इनके पास से 3 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और 1 गाड़ी बरामद हुई है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा 24/25 की रात में इंडो कैश के 1 ATM को उखाड़कर ले जाया गया था, और जिसमें से 8 लाख 20 हज़ार रुपये चोरी हुए थे। इनके पास से उस चोरी के कैश में से 5 लाख 26 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं, और इसी जो गाड़ी उस घटना में प्रयुक्त हुई है वो भी बरामद हुई है। इनके 2 साथियों की तलाश, जो कि मौके से भागे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।